हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग अपडेट जो कि कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप में आने वाले अपकमिंग अपडेट अब तक आए नहीं और उन अपडेट का मतलब क्या आता पता है या फिर मतलब सच में बंदों को यह सारे अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे या फिर देखने को मिलेंगे, वो सारी की सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे आ चुके तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलो तो गाइस हमारी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना विदाउट स्किप करें। सो तो गाइज, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मतलब कार सेलर गेम 2023 अर्ली एक्सेस जो कि मतलब प्ले स्टोर पर अभी गेम रिमूव हो चुका है, मतलब परमानेंटली बैन हो चुका है। उसका एक ही रीज़न था कि जो कि अपडेट आ रहे थे वो पीसी वाले से मतलब कंपैरिजन में सेम टू सेम आ रहे थे और पूरा का पूरा गेम कॉपीड था। इस वजह से मतलब इस गेम के ऊपर मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से उस गेम को हटना पड़ा। पर गाइज, कार सेलर डीलरशिप सिमुलेटर अपना वाला जो गेम है ना भैया, इस गेम में बस एक ही प्रॉब्लम है जिन्होंने मतलब ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी कि आपको बिग अनाउंसमेंट में ऑफिस एडिट मोड देखने को मिलेगा। पर गाइस, उसके बाद में इस गेम में और दो तीन अपडेट आते हैं और वो सारे अपडेट आने के बाद ना ही नीचे शो किया है कि आपको बिग अनाउंसमेंट में एक अपडेट मिलेगा या फिर ऑफिस एडिट मोड मिलेगा, यह सारी चीजें मतलब कतई देखने को नहीं मिली। पर गाइस, चीज़ें यहीं पर नहीं रुकती, चीज़ें तो मतलब बहुत आगे बढ़ गई क्योंकि गाइस इस गेम में इतने ज़्यादा अपडेट आ चुके हैं पर गाइस इस गेम का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने मतलब पूरी की पूरी ग्राफिक चेंज कर दी, सारी की सारी चीज़ें ऊपर से मतलब जो जो चीज़ें सिमिलर लग रही थी वो सारी की सारी चीज़ें चेंज कर दी और इसकी वजह से ये गेम मतलब सेफ खेल रहा है। बाकी गेम की तरह इस गेम का मतलब कोई भी उनके साथ तो कॉन्टैक्ट नहीं है। जो बंदे कॉपीड बोल रहे हैं भैया, वो तो मतलब अपने आँखों का चेकअप कराओ या फिर कुछ और। इस गेम के मतलब डेवलपर की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, बट गाइस इस गेम को अभी बहुत दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके वजह से इसमें जो भी अपडेट आए वो बहुत अलग तरीके से आए और ये गेम मतलब प्ले स्टोर पर बहुत दिनों से और इसके रिव्यूअर्स बाकी कार फॉर सेल से भी बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी ये गेम मतलब ट्रेंड कर रहा है। पर गाइस, इसके कंपैरिजन में भी बहुत सारे गेम है जैसे कार सेलर बिजनेस सिमुलेटर हुआ, उसमें भी बहुत बड़े बड़े अपडेट आना बाकी। पर गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो अपडेट आने वाला था ऑफिस एडिट मोड जो कि अपकमिंग अपडेट था और बहुत बड़ा अपडेट था जो कि बिग अनाउंसमेंट हुई है। अभी भी स्कॉड पे मतलब उनका पोस्ट घिरा हुआ है कि आपको बिग अनाउंसमेंट में मतलब बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है जो कि ऑफिस डेकोर हो सकता है। अब बारी है गाइस कि अपडेट मतलब कंफर्म डेट क्या है या फिर मतलब ये अपडेट देखने को ही नहीं मिलने वाला है ऑफिस एडिट मोड। अभी अगर गाइस बात की जाए तो मतलब सारे के सारे इशू फिक्स हो रहे, पर गाइस एक इशू है जो कि फिक्स नहीं हो रहा। अभी गेम इंटरनेट पर चल रहा है, इंटरनेट में चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदे तो मतलब बोलते हैं कि भैया चलता है चलने दो, पर गाइस जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है ना एड इशूज, तो एड इशूज की वजह से बहुत सारे बंदे मतलब क्विट कर रहे हैं या फिर मतलब दूसरे गेम की तरफ जा रहे हैं और इसमें मतलब तहलका और मच गया कि न्यू गेम आ गया अपना कार सेलर सिमुलेटर गेम 2023 जो कि ऑफिशियल वालों ने लॉन्च कर दिया मोबाइल गेम। पर गाइस, वो गेम कहीं से भी कार सेलर डीलरशिप को टक्कर नहीं दे सकता, उसके वजह से बंदे इसी को खेल रहे और बंदे बस एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो है अपडेट। अपडेट जैसे आता है ना भैया, गेम में मतलब 50% से इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके वजह से बंदे वो जो रिव्यूअर्स होते हैं वो बहुत बढ़ते हैं और कुछ अच्छा हुआ तो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो गाइज, कंफर्म डेट तो नहीं, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मतलब सो तो गाइज, न्यू ईयर के पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि गाइज उन्होंने डिस्कॉर्ड पे खुद से पोस्ट किया है कि आपको नेक्स्ट अपडेट विल बी सून, बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। पर गाइज, नेक्स्ट अपडेट बस ऑफिस एडिट मोड होने वाला है जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है और ये अपडेट आपको मतलब 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले देखने को मिलने वाला है। मतलब न्यू ईयर आने से पहले ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा 4 या 5 दिन में। फिक्स डेट तो मैं बता नहीं सकता, अगर फिक्स डेट बता भी दूँ तो मतलब कोई नकली डेट होगी, उसके वजह से आपको मैं बता देता हूँ कि 7 या 8 दिनों में आपको बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। उनके साथ साथ गाइस और भी गेम हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े अपडेट आना बाकी है और बहुत बड़े बड़े अपडेट आ सकते हैं, जैसे कार सेलर बिजनेस सिमुलेटर में हुआ और भी गेम है कार फॉर ट्रेड हुआ, इन गेम में बहुत बड़े बड़े अपडेट आएंगे और जब अपडेट आएंगे ना भैया एकदम तहलका मचेगा। और उसके साथ साथ कार सेलर डीलरशिप में बहुत बड़ा अपडेट ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको ऑफिस एडिट मोड वाला अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जो कि अपडेट रिलेटेड तो थी बट कुछ फ़ायदा नहीं।